सीधी मत त्योहार के खुशी उस समय मातम और बदल गए जब दुर्गा विसर्जन करे जाए वाली पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। बतावा जाते कि पिकअप में करीब 25 लोग सवार रहे, जिसमें 24 लोगों का गंभीर रूप से चोट पहुंची है। यह पूरा हादसा बतावा जाते कि ड्राइवर के लापरवाही के भा तेज रफ्तार में पिकअप वाहन के चालन की जा रहा, जोने की वजह से यह बड़ी सड़क दुर्घटना सामने आई है और पूरा त्यौहार की खुशी जो रही मातम में बदल गए। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे समझने का प्रणाम कहते शुरू कहे थे। ये बेहद दुखद खबर से अपना बता दी कि सीधी माँ दुर्गा विसर्जन करे खातिर जाए वाली पिकअप वाहन उस समय दुर्घटना के शिकार हो गए जब वह अनियंत्रित होकर पलट गए। वाहन में 25 लोग सवार रहे जो दुर्घटना के शिकार हुए। हम फिलहाल सब गंभीर घायल बताए जा रहा। हम राहगीरन के मदद से सूचना मिले पर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से घायलन का जिला चिकित्सालय सीधी भेजा गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। बताया जाता है कि वह पूरी घटना जो हुई दुर्घटना ड्राइवर के गलती के कारण बा। सीधी जिला के जमुई थाना के अंतर्गत धनखोरी में यह सड़क हादसा सोहिया बा, जहां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन का लेके जाए वाले लोग गंभीर रूप से घायल हुए गए। प्रत्यक्षदर्शी जे रहे उनके मुताबिक पिकअप जोन रही ज्यादा रफ्तार में रही, जेका ड्राइवर लापरवाही पूर्वक चलावत रहा। जब गाड़ी अनियंत्रित हो गए तो ड्राइवर गाड़ी से कूद गया और गाड़ी रोड से हटकर खेत में पलट गए, जहां यह हादसा में 25 लोगों के घायल हो जाए की जानकारी आई है। बताया जाता है कि मौके में जमुई पुलिस पहुंची है, एम्बुलेंस के मदद से घायलन का जिला चिकित्सालय सीधी भेजा गया है। फिलहाल घायल लोगों के उपचार की जा रहा है। अपने को बता दें कि इस समय नवरात्रि के दौरान 9 दिन दुर्गा की पूजा के बाद उनके प्रतिमा के विसर्जन के जो है कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है। दुर्गा के विसर्जन खातिर प्रतिमा लोग ले जा रहे हैं। ये दौरान अपना का बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन जहां मुस्तैद है वहीं अपनों का ध्यान देने की जरूरत है। लापरवाही पूर्वक ये बताई वाहन चलाए के कारण में एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है। सतर्क रहने की जरूरत है, सुरक्षित रहने की जरूरत है। दे इजाजत रखिए अपन और अपने परिवार के ख्याल। प्रणाम।